लहर पूरी हरियाणा के अंदर 75 से लेकर के 90 सीटों के बीच में कांग्रेस पार्टी का वो हाथ का निशान पूरी मजबूती के साथ दिखने वाला है और 2,80,00,000 जनता के हित में कांग्रेस पार्टी भविष्य में सारे फैसले लेगी और बाबा साहब का दिया हुआ वोट का अधिकार का प्रयोग करते हुए आज हमें राहुल जी के हाथों को मजबूत करना है। उनकी भारत जोड़ने की, हरियाणा को आगे बढ़ाने की जो मुहिम है छत्तीस बिरादरी को लेकर के, उसका हमें सबको साथ देना चाहिए। बस था पता नहीं क्या, किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। यहाँ BCD इन टीमों के हवाले, वो कहते हैं ना, कर चले हम फिदा वतन साथी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, तो वैसा ही है। उन्होंने तो सब जो है BCD टीम को हवाले कर दिया, कुछ नहीं बचना यहाँ। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो है वो भारतीय जनता पार्टी मैसिव डिफीट की ओर है, पूरे हरियाणा के अंदर भी और सिरसा पार्लियामेंट के अंदर। किसी को कमज़ोर और वो नहीं, हम तो देश के बारे में सोचते हैं और देश हित में आज जो है कांग्रेस के साथ चलना चाहिए। और यही मुझे लगता है कि सबको पता है, मैं तो 10 साल विपक्ष में रह कर के आया, विपक्ष में लड़ाई लड़ी और आज भी जो है हम तो दोनों जगह BJP की सरकार, हम तो सरकार छोड़ कर के हमने कांग्रेस का दामन थामा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाला समय वो प्रदेश की बेहतरी के लिए होगा और कांग्रेस के माध्यम से। कोई मारा मार नहीं, हरियाणा की जनता पहले तो 75 से 90 के बीच में विधायक जिताएगी, फिर वो विधायक तय करेंगे, हाईकमान तय करेगी, कोई वो नहीं है। राहुल जी ने कहा 36 बिरादरी की सरकार होगी, ना ना मैं तो कुछ नहीं, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता कार्य करता है और भाई लोगों की सेवा करता है।